क्या बोलते हैं बिहार की विधानसभा में कि भैया वो पिएगा वो मरेगा, पर इन तमाम बंदों पर अपोशी साथ देते हैं मुख्यमंत्री, चुनाव आएगा तो सबकी याद आएगी मुख्यमंत्री। जो शराब पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो शराब पिलाएगा क्या वह मौज करेगा। नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बंडवाल। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, लगातार बिहार सरकार पर सवाल दागते नजर आ रहे हैं। इस बार भी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रोहतास जिले में एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहाँ उन्होंने शहीद दरोगा बिजेंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान वे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कई सवाल दागे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ काफी कुछ कहा। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हुए जनसभा को संबोधित किया और कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में सब कुछ फेल है। नीतीश कुमार शराबबंदी में भी फेल है, क्योंकि लगातार शराबबंदी विफल नजर आ रही है। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी है, शराब नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। इसके साथ ही नीतीश कुमार कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, जिस पर चिराग पासवान ने जमकर बोला। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया है, और भी क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले तो आप ये सुने। और वो दिन दूर नहीं है भैया, जब बिहार में फिर चुनाव होगा, फिर ये लोग आएगा और फिर ये लोग बोलेंगे कि भैया हम लोगों पे विश्वास है, चाची हम लोगों पर ध्यान दे, आकर बोलेंगे लोग चुनाव के, तो पूछेगा इनसे कि भैया पिछले 35-35 साल से अगर आप लोगों पर नहीं तो आज किस पर भरोसा किया हम लोगों। आज जो दोनों सत्ताधारी दल बैठे हैं बिहार सरकार में, राजद हो या जनता दल यूनाइटेड हो, पिछले 30-32 साल से इन लोगों की सरकार, 15 साल से हम लोगों ने लालू जी राबड़ी जी का हम लोगों ने शासन देखा, लगभग पिछले 2 दशक से तो भैया जिंदगी के 35 साल हम लोगों ने इन पर विश्वास नहीं किया तो और क्या किया, पर बदले में क्या मिला भैया हम लोग को, हम लोग के घरों के हालात देख लीजिए, हम लोग की सड़कें आजादी के 75 साल के बाद सड़कों के हालात देख लीजिए भैया, जो मैदान हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए बचा चाहिए उन मैदानों के हालात देख लीजिए। आज भी पलायन उसी स्तर पर होता है, जब हमारे मुख्यमंत्री पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, और याद होगा सवाल था, उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरा सपना है कि जितने लोग बिहार से पलायन करकर दूसरे प्रदेशों में गए हैं, मैं उन सब लोगों को वापस अपने प्रदेश में लेकर आऊं। सोचिए, जो मुख्यमंत्री 18-20 सालों में खुद अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो हम लोग के सपने को क्या पूरा करेंगे, ये पूछना चाहिए। भाई मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी से पूछे भैया क्या कहा है कि आज भी बिहार के ही लोगों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के रोजगार के लिए। भाई मैंने कभी नहीं सुना, दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने कहा, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, आता है क्या? कभी सुना कोई बम्बई का लड़का लड़की? क्यों क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश आना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? क्यों भैया, क्यों हमारे प्रदेश में बेहतर स्कूल नहीं खुल सकते, क्यों हमारे प्रदेश में बेहतर शैक्षिक संस्थान नहीं खुल सकते, क्यों हमारे प्रदेश में रोजगार के अवसर नहीं खुल सकते, क्यों हमारे प्रदेश में उद्योग नहीं आ सकता? क्या बोलते हैं भैया मुख्यमंत्री जी उद्योग को लेकर, याद है ना पिछले चुनाव में बोले थे कि बिहार में उद्योग नहीं खुलेगा, बोले थे ना, क्या कारण दिए थे? बोले थे भैया बिहार का भूगोल ऐसा है कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता। मुख्यमंत्री जी, बिहार के भूगोल में खराबी नहीं है, खराबी बिहार है। क्या बोलते हैं बिहार की विधानसभा में कि भैया वो पिएगा वो मरेगा, यही बोलते हैं।
तो जो पिएगा वो मरेगा, पर जो पिलाएगा वो क्या, जो पिलाएगा वो क्या करेगा भाई। भाई जो पिएगा वो मरेगा, पर जो पिलाएगा वो मौज करेगा। मुख्यमंत्री जी के शासन का अंदर ये नीति पर मुख्यमंत्री का अंदर भाई उनके परिवार को जाकर देखिए। खाने कमाने वाला व्यक्ति भाई आपने बदुआ दी, मर गया वो व्यक्ति जिससे शराब, पर उनके परिवार वालों का क्या, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों का क्या कसूर, जिसने अपने परिवार से खाने कमाने वाले पिता को खोया, क्या बूढ़ी माँ का क्या कसूर जिसने अपने बेटे को खोया। पर इन तमाम बंदों पर आपसी साथ देते हैं मुख्यमंत्री, चुनाव आएगा तो सबकी याद आएगी मुख्यमंत्री। दरअसल चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर भी सवाल खड़ा किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि सीएम नीतीश समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उन्हें खुद लाठी की जरूरत है। वे खुद उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, बिहार के लोग नहीं संभल रहे हैं। बिहार में इतना कुछ चल रहा है लेकिन नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ उन्होंने बिहार सरकार पर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर घेरने का काम किया है। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें IVTV के साथ। नमस्कार। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।